दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में हुआ समर कैंप का समापन। बच्चों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति। एसपी सहित अभिभावक गण रहे मौजूद। ईद के त्योहार के पूर्व रखी गई शांति समिति की बैठक। नगर के गणमान्य सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। और मौसम की बेरुखी के चलते लगातार बढ़ती गर्मी और उमस से लोगों का जनजीवन हो रहा है प्रभावित। गर्मी से बचने हेतु लोग कर रहे हैं तरह तरह के जतन। पुलिस लाइन के सामुदायिक भवन में पिछले कई दिनों से समर कैंप का आयोजन चल रहा था। आज समर कैंप के समापन मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने मधुर गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुक्ला भी मौके पर मौजूद रहे। समर कैंप के दौरान बच्चों की अभिभावक गणों के साथ पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति भी रही। मैं अनुरोध करता हूं कि पुलिस लाइन की दिशा में श्रीमान के निर्देशानुसार 18 मई 2024 से आज 15 जून 2024 तक बेतवा नदी के पावन तट पर 14 से 16 जून तक शिव कथा का आयोजन से पूर्व कागदी मोहल्ला स्थित शिव के दरबार से कलश यात्रा निकाली गई थी। पंडित बटुक महाराज द्वारा बेतवा माँ की आरती भी उतारी गई। भक्त व श्रद्धालुओं की भी उपस्थिति रही।
अंतिमानो मदियारीरक्षदायुर्गन्त्योः माता च पिता च पुत्राः विश्वे देवा अदिति हमारे यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्री वैत्रवती जी की पावन उपासना का पर्व श्री गंगा दशहरा जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है उसी के क्रम में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष इस क्रम में आज से त्रिदिवसीय श्री शिव कथा की मंगलमयी शोभा यात्रा विश्राम हुई। आज से 16 तारीख तक ये नित्य श्री शिव महापुराण की मंगलमयी कथा होगी सायं 7 बजे से माँ वैत्रवती के पावन तट पर। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं आज सरकार शोभा यात्रा प्रदेश के महादेव मंदिर से यहाँ पर निकाली गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं किया जाता है उसी क्रम में आज 15 वर्ष में इस साल 15 साल हो चुके हैं। उसी लक्ष्य में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 3 दिन से एक महाराज पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है जो कि प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे से रात 10 बजे तक माता गंगा के पावन बड़वाला घाट जिला की जाएगी और महाराज पुराण कथा का वाचन आगामी दिनों में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद के त्यौहार के चलते कलेक्ट्रेट के सभागार में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। नगर के वरिष्ठ गणमान्यों सहित सभी धर्म गुरुओं की उपस्थिति रही। शांति समिति की बैठक को लेकर SDM क्षितिज शर्मा से हुई चर्चा। कुर्बानी का सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो है इस तरह का कुछ ना डालें और जगह भी इस तरह के फैसले किए गए तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो एनसीओ के सभापति फायदा उसका जो मतलब शासन को रहते हो सकते हैं सोमवार के दिन का त्यौहार मनाया जाना है। इस त्यौहार को परंपरागत उत्साह और परंपरागत सद्भाव के साथ मनाए जाने के लिए आज हमारी स्तरीय शक्ति समिति बैठक जारी की गई थी। सभी धर्मावलंबी सभी धर्म के प्रतिनिधि मुस्लिम समाज के सभी प्रतिनिधि आदरणीय काजी जी उपस्थित रहे। सभी ने अपनी अपनी व्यवस्था के बारे में अवगत कराया है और जो शासन से प्रशासन से उनकी अपेक्षाएं थी उनके बारे में चर्चा की गई। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने का हम लोगों ने उनसे आश्वासन दिया है। नगर पालिका और पुलिस के माध्यम से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित आगामी सोमवार के दिन ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस संबंध में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को बुलाया गया था। इसमें SDM साहब भी थी, तहसीलदार साहब थी, नगर पालिका भी थी, हम लोगों पुलिस भी उपस्थित थे और सभी लोगों की बात को सुना गया और सारे त्यौहार जो है शांतिपूर्वक सम्मान के साथ और पूरे सद्भाव के साथ संपन्न कराए जाएंगे। इसलिए जो मीटिंग की गई है सबको समझा दिया गया है, उनकी बात को सुन लिया गया है, पूरी तरह प्रयास किया जाएगा, हर प्रकार की व्यवस्था की जाए और पूरा त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पर जो बैठक रखी गई थी क्या निर्णय लिया गया, क्या सावधानी रखी जाएंगी? ये शांति समिति की बैठक में हम यहाँ सब शामिल हुए, सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए और उसमें जो है सभी सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाने की जो है अपील की गई और खुसूसा एक चीज़ कही गई कि भाई कुर्बानी की जो भी वीडियोस वगैरह कभी भी सोशल मीडिया पर ना डालें और इसके दूसरों से भी छाया करने की शेयर करने की अपील की गई। धन्यवाद। बैतूल में धाकड़ करार समाज के शिक्षक के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा हुई मारपीट की घटना के विरोध में विदिशा में धाकड़ करार समाज के लोगों ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों से इस विषय पर हुई चर्चा। जी क्या मामला है, आप क्या नाम है आपका?
मेरा नाम भगवान सिंह धाकड़ है, किस मामले में? भारतीय किरार छत्री महासभा जिला अध्यक्ष हूँ। कल विदिशा जिले का लड़का जो बैतूल जिले में शिक्षा के लिए वहाँ कार्यरत था, उस सम वहाँ पर असामाजिक तत्वों ने उसको स्कूल में जाकर जे एच कॉलेज में जाकर असामाजिक तत्वों ने उसके साथ मारपीट की। पहले उसको आँखों में मिर्ची झोंकी गई, मिर्ची झोंकने के बाद फिर उसको डंडे से उससे पिटाई की गई। प्रशासन ने दोषियों पर अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। हम ये मांग करते हैं विदिशा जिले की पूरी समाज की तरफ से कि उनको दोषियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसको ज्ञापन देने आए हैं? कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर आप आग लगा तो आगे फिर हम सामाजिक बंधु सभी बैठकर और उसके और उग्र आंदोलन की ओर। नौतपा के बाद मौसम में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों का जीवन हलाकान है। भीषण गर्मी और उमस के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। सड़कों पर देखिए मानव जीवन का नज़ारा। ईद के त्यौहार पर नगर में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चौकन्नी रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण इंतजाम रहेंगे। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे से इस विषय पर हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। जैसा कि संभावित है परसों ईद का त्यौहार होगा, इसमें पूरे जिले में तैयारियां लोगों ने पूरी कर ली है। सभी थाना क्षेत्रों में, सभी इम्पोर्टेंट कस्बों में शांति समिति की बैठकें कर ली गई है। हमारी जो होमवर्क हमारी तैयारियों का होता है वो कहाँ कितना बल लगना वो सब कर लिया गया है और पूरा जिले का बल सभी लगाया जाएगा, पूरे टिल ड्यूटी प्लान निकाला जाएगा और पूरी मुस्तैदी से। आज की खबरों को देते हैं पर विराम, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। नमस्कार।